और आपको बता दें कि तारीखी साड़ी बाजार भद्रवा में आर्मी की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंशियात और फिरका वाराना हमहंगी के उनवान से नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया गया। इस इलाके में कई स्कूली तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और नुक्कड़ नाटक पेश किए। इस मौके पर सहाफी ताहिर नदीम खान, यूसुफ जई और कोमल कटल ने भी लोगों से खिताब किया और समाजी बुराई के खिलाफ लोगों को बेदार करने की अपील की। और मकसद हमारा जो है यहाँ की अमन शांति, यहाँ एंटी ड्रग एडिक्शन एंड थर्ड थिंग इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब लड़कियों को वही दर्जा दें ताकि लड़कियाँ भी उसी स्तर पे पहुँचें, मेरे ख्याल से एक मैसेज होगा। आज 3 स्कूलों ने किया है और इसके बाद मंडे को फिर 3 और स्कूल हैं। और बड़ा मैं अप्रिसिएट करना चाहूँगा स्कूल के प्रिंसिपल्स और उनके स्टाफ बच्चों को कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा ऐसे नुक्कड़ नाटक कम करने के लिए जो इंडियन आर्मी अभी कर रही है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप है और फ्यूचर में सिर्फ आर्मी को ही नहीं सिविल पॉपुलेशन को भी उनके साथ जुड़ जाना चाहिए और जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या लोगों को अपने मतलब पर्सनल बेसिस पे भी ऐसे कुछ नुक्कड़ शोज या पर्सनल अवेयरनेस ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं ऐसे स्टार्ट करने चाहिए। और हमारे स्कूल का जो प्ले था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो इसको लेकर लोगों में बहुत अवेयरनेस हो गई होगी क्योंकि बहुत लोग रुक कर देख रहे थे और बाकी स्कूलों ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे मुद्दों पर अपने प्लेस लाए थे, जैसे कम्युनल हारमोनी पर थे और ड्रग्स पर था। बिल्कुल 100% से काफ़ी इम्पैक्ट होगा क्योंकि जो पर्सनल एक टच मिलता है, नुक्कड़ नाटक सबसे इफेक्टिव मीडियम है सोसाइटी में जो ये मैसेज पहुँचाने के लिए, चाहे ड्रग एब्यूज़ हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था या कम्युनल हारमोनी का मैसेज, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। A tourist resort.